तो फ्रेंड आज हम यहाँ PIR से मोशन सेंसर बनाने वाले हैं, तो जो कि हमारा आप ये PIR देख पा रहे होंगे। तो जो हमारा ये वाला जो इसे कंट्रोल करने के लिए, ये हमारा रेजिस्टिविटी कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है ये वाला, और ये वाला हमारे टाइम के लिए। ये हमारा टाइम इससे सेट करते हैं और इसे हम कैप को हटाएंगे तो ये आपको देखेगा जो हमारा यहाँ VCC और आउटपुट और ग्राउंड है, VCC हमारा पॉजिटिव होता है, आउटपुट ये जो सप्लाई हमें थ्रू आउट देगा ये सिग्नल जो, और ग्राउंड ये जो हमारा होता है वो नेगेटिव होता है। अब हमें ज़रूरत होगी एक 12 वोल्ट रिले की, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक 100 ओम रेजिस्टेंस की, और एक ये BC548 ट्रांजिस्टर की, और एक डायोड की 4007, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये। तो हम इसके जो सारे कंपोनेंट हैं उसे अरेंज करेंगे। अब हम अपने PIR से ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे, जो हमारे ट्रांजिस्टर का अमीटर वायर है वो हम इसे ग्राउंड से इसके कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा यहाँ 100 ओम है वो हम आउटपुट वाले पिन पे कनेक्ट करेंगे। ये हमने इसे कट कर दिया है, और जो हमारे ये ट्रांजिस्टर का थोड़ा ये वायर है जो बेस वाला, इसे कट कर देंगे। और जो ये 100 ओम रेजिस्टेंस है इसके साथ, यहाँ पे हमने देखिए जो हमारा ये है एमीटर, हमने इसके ग्राउंड वायर से कनेक्ट किया है, और जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है वो हमने इसके बेस से कनेक्ट करके इसके आउटपुट में कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे हम रिले के कनेक्शन करेंगे, तो जो हमारा ये रिंग टाइप का है ये हमारा पॉजिटिव होता है डायोड में, तो पहले हम इसे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब हम जो हमारे ये ट्रांजिस्टर का ये जो कलेक्टर वायर है, हम इसे इसके नेगेटिव साइड वाले से कनेक्ट कर देंगे। ये हमने अपनी जो रिले है इसे भी कनेक्ट कर दिया है। अब हम एक वायर लेंगे जो कॉमन करेंगे इससे पॉजिटिव और इससे पॉजिटिव। यहाँ पे हम वायर कनेक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव के लिए है जो ये कनेक्ट किया हमने, यहीं से ये जो वायर है इससे हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा सर्किट 12 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। ये हमारा पॉजिटिव वायर यहाँ कनेक्ट हो गया, अब हम नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव वायर कनेक्ट होगा,
तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव वायर कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम जो सप्लाई है उसके वायर कनेक्ट करेंगे, जो कि हमें एसी सप्लाई देनी होगी अपने बल्ब को। तो यहाँ पे हम सप्लाई के लिए यहाँ पे इसे पेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है, जो कि हम ये हमने एसी वायर के लिए रिले में वायर लगाया है। और यहाँ पे हम अपने बल्ब का जो वायर है वैसे कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा ये वायर है अब हम इस साइड इसे कनेक्ट करेंगे। ये जिस साइड आपको ये सर्कल टाइप का दिखता है, इस साइड कनेक्ट करना होता है हमें एक वायर। तो यहाँ पे हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, ये और ये वायर हमारा जो है वो सप्लाई में लगेगा। जो एसी सप्लाई होती है, और यहाँ पे हम ये 12 वोल्ट पर ऑपरेटेड है, तो हम इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो जैसा कि ये देख रहे होंगे आप, अभी हम इससे 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। अब हम इसे इसके जो वायर है इसे लगाएंगे, इसी सप्लाई से। बड़ी ही सेफ्टी से काम करना है हमें, इससे हमें कोई हार्म भी ना हो और हमारा जो काम है वो भी हो जाए। यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसने मोशन डिटेक्ट किया और ये एक्टिव हो जाएगा। देखिए जैसे ही ये अभी मोशन डिटेक्ट, ये बट स्लो काम करता है, तो जैसे ही अभी आप देखेंगे जैसे ही मोशन डिटेक्ट करेगा तो ये जलने लगेगा। तो जैसे ही ये मोशन को डिटेक्ट करेगा ये एक्टिव हो जाएगा। देखिए आप, अपने हिसाब से इसमें टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है, जैसे ही कोई इसके सामने से निकलेगा ये 3 मीटर तक वर्क करता है, तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा और ये ग्लो करने लगेगा बल्ब। देखिए कितने काफ़ी दूर से ये डिटेक्ट कर लेता है मोस्टली।